हेलो दीपक केळकर दिस साइड। आज मैं आपको स्टेज हिप्नोटिज्म के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं। मैं जब स्टेज प्रोग्राम करता हूं हिप्नोटिज्म के, तो पब्लिक में से दर्शकों में से लोगों को बुलाता हूं और उनको हिप्नोटाइज करता हूं। वो एक मास हिप्नोटिज्म रहता है, उनको हिप्नोटाइज करता हूं। तो होता क्या है कि सब लोग हिप्नोटाइज नहीं होते, तो मुझे और सबके ऊपर वो प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे लोगों को चुनना पड़ता है कि कौन लोग डीप ट्रांस में जा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मनोरंजन का तो है ही, लोगों का मनोरंजन तो होता ही है, एंटरटेनमेंट तो होता ही है। उसके साथ साथ लोगों का एजुकेशन करना, लोगों को कुछ समझा देना, ज्ञान देना, वो भी इसमें से होता है। तो इसलिए हम उसको बोलते कि यह एडुटेनमेंट का प्रोग्राम है, क्योंकि एजुकेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी है। तो इसमें लोगों को दर्शकों में से हम बुलाते हैं, जितने लोगों की इच्छा है वो सब स्टेज पे आते, फिर हमको बोलते हैं, पूछते हैं कि भाई आपकी इच्छा है सम्मोहित होने की? बोलते हाँ इच्छा है, बिल्कुल सम्मोहित हो जाएंगे। तो ठीक है, आप विरोध तो नहीं करोगे, अपोजिशन तो नहीं करोगे? बोलते हाँ नहीं करोगे, बिल्कुल तैयारी, वरना तैयारी है। फिर ठीक है, उनको हम लेते हैं, फिर उनको हम बोलते हैं कि अभी आप आंखें बंद करो और उनको एक टेस्ट मैं देता हूं। वो टेस्ट ऐसी होती है कि उनको आंखें बंद करने के बाद में उनको बार बार हैमरिंग किया जाता है, सूचना दी जाती है कि आपकी आंखें चिपक रही है। तो फिर उनको बार बार मैं बोलता हूं कि आपकी आंखें चिपक रही है, आंखों की पलकें चिपक रही है, आंखें चिपक रही है, आंखों की पलकें चिपक रही है। ऐसा बार बार बोलते बोलते होता क्या है कि सूचना जाती है सीधे अंतर्मन में, सूचना जाती है सीधे अजागृत मन में, सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वहां तक यदि हमारी सूचना गई तो उसका असर हमारे बिहेवियर के ऊपर दिखता है, हमारे एक्शंस के ऊपर दिखता है। जैसे वो सूचना अंतर्मन में जाके बैठ गई, कुछ लोगों की आंखें चिपक जाती है, और कुछ लोग मतलब जो लोग डीप ट्रांस में जा सकते हैं या जाते रहते हैं, उनकी आंखें चिपक जाती है। हमने कितना भी बोला भी आंखें खोलो, तभी उनकी आंखें खुलती नहीं। फिर जब हम उनको बोलते हैं कि अभी हम 3, 2 और 1 में उल्टी गिनती करूंगा, और जब उल्टी गिनती करने के बाद में आपकी आंखें खुलेंगी, तो बाद में उनकी आंखें खुल जाती। तो यह है आईलिड कैटलेप्सी टेस्ट, मतलब आंखें चिपकने की परीक्षा। फिर उनको मैं और दूसरी परीक्षा देता हूं। दूसरी यह रहती है कि उनको बोलता हूं कि उल्टा नमस्कार करो, ऐसा आंखें, ये जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां एक दूसरे में फंसाओ। उंगलियां फंसाने के बाद में मुट्ठी बंद करो और अंगूठे ऐसे एक दूसरे को चिपक के रखो और दाहिने अंगूठे की तरफ एक सरीखा देखो। तो जब आप देखेंगे दाहिने अंगूठे की तरफ, तो मैं बार बार उनको बोलते रहता हूं कि आपके आपकी उंगलियां चिपक रही है, आपके हाथ चिपक रहे, उंगलियां चिपक रही, हाथ चिपक रहे, उंगलियां चिपक रही। ऐसा जब मैं बार बार हैमरिंग करके मैं बोलते रहता हूं, तो वो सूचना सीधी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड में मैंने जैसा बोला इतना पावरफुल है कि उसके अंदर एक बार वो सूचना घुस गई, उसके बाद में हाथ चिपक जाते हैं, वो पूरी ताकत लगाते हैं, और ताकत लगाने के बाद में भी उंगलियां अलग होती नहीं है, पक्की बैठ जाती है, चिपक जाती है। फिर मैं उनको बोलता हूं कि अभी मैं उल्टी गिनती करूंगा, 3, 2 और 1 ऐसी गिनती करूंगा, और जैसे जैसे गिनती कम हो जाएंगी, वैसे वैसे आपकी आंखें, आपके हाथ निकल जाएंगे, खुल जाएंगे। तो उनके हाथ निकल जाते, 3, 2 और 1 और हाथ खुल जाते। तो ऐसे दो टेस्ट है। तो दो टेस्ट करने के बाद में ये हमको मालूम पड़ता है कि डीप ट्रांस मतलब गहरी सम्मोहन अवस्था में कौन से व्यक्ति जा सकते हैं। फिर वो जो दोनों इसमें पास हो गए, उनको हम रखते हैं स्टेज के ऊपर, बाकी लोगों को बोलते हैं आप अभी चले जाओ। फिर वो चले जाते हैं। ये जो लोग बचे हुए हैं उनके ऊपर फिर सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है। अब ये डीप ट्रांस में जाते हैं तो उनको जो भी कुछ बोला उनको सही लगता है, जो भी सूचना दिया तो उसका वो पालन करते हैं, क्योंकि वो अभी इतने सजेस्टिबल हो जाते हैं कि जब मैं कुछ बोलता हूं तो सीधी बात हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में, और वहां से वो आदमी एक्शन करने लगता है। जैसा उसको मैंने बोला कि आपकी मतलब आपके हाथ में बिल्कुल ताकत नहीं है, आपके हाथ पैरालाइज्ड हुए हैं, शक्तिहीन हुए हैं, आपके हाथों में बिल्कुल ताकत नहीं है, आपके हाथों में ताकत नहीं है, ऐसा मैंने सूचना दिया और उसके सामने एक छोटा पत्थर रखा, उसको बोला अभी आप पत्थर उठा सकेंगे नहीं क्योंकि आपके हाथ में ताकत नहीं है। वो कोशिश करता है मगर उससे वो पत्थर उठाया नहीं जा सकता,
क्योंकि उसके दिमाग में वो बिलीफ पक्का हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में कि अपने हाथ शक्तिहीन हो गए। देखो इसका एप्लीकेशन क्या है। हम देखो जब कॉन्शियस माइंड में हम व्यवहार में हम बार बार हमने अपने आप को सूचनाएं दी हुई है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मुझसे होगा नहीं, ये मेरे से संभव नहीं है, और वो अनकॉन्शियस माइंड में पक्का जाके बैठा हुआ है। फिर हम खुद को कमजोर समझते हैं, खुद को बहुत ही कम बुद्धिमान समझते हैं, कम बुद्धि का समझते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से होगा नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बहुत वीक हूं, मैं आधा अनाड़ी हूं, मैं मेरी क्षमता बहुत कम है, मतलब इस तरह के अलग अलग सूचनाएं, मतलब स्व संवाद हम अपने आप से करते रहते हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठते रहता है। सम्मोहन उपचार में ये जो संवाद है खुद के बारे में वो सब निकालने का काम किया जाता है। खुद के बारे में जो निगेटिव थॉट्स है वो निकालने का काम किया जाता है और पॉजिटिव थॉट्स डाले जाते हैं। तो जो भी निगेटिव थॉट है, मेरे से होगा नहीं, मैं कमजोर हूं, मैं अनसक्सेसफुल हूं, मेरा नसीब खराब है, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, ऐसे जो पक्के बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हैं वो निकालने का जो प्रयोग है वो सम्मोहन अवस्था में किया जाता है। फिर दूसरा हम उनको ये भी एक और एक मतलब काफी सारे प्रयोग होते हैं और एक आधा बताता हूं मैं आपको कि जैसा उनको बताते हैं कि भाई आपका हाथ निर्जीव हो गया, उसमें कोई ताकत नहीं है, जान नहीं है, आपका हाथ निर्जीव हो गया, कोई ताकत नहीं है उसमें, उसको कोई सेंसेशन भी नहीं है, मैंने ऐसा टच भी किया तो भी आपको कुछ लगेगा नहीं, ऐसा सूचना देने के बाद में उसको बोलते कि आपका हाथ ठंडा हो गया है, आपका हाथ बधिर हो गया है, उसको कुछ स्पर्श भी किया तो भी आपको कुछ लगेगा नहीं, ऐसा बार बार बोलने के बाद में वो सूचना आ जाती है अंतर्मन में। अंतर्मन जाने के बाद में हम उसको सुई जो है अपनी निडल इंजेक्शन की सुई उसको टोचते हैं, आर पार चमड़ी में से निकालते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और तभी भी वो वैसे के वैसे बैठा है, उसको कुछ भी दर्द होता नहीं है। क्यों? कि सबकॉन्शियस माइंड में उसका पक्का हमने बिठा दिया है कि आपका हाथ बधिर हुआ है, आपको कुछ दर्द होगा नहीं, ऐसा बोलने के बाद में उसको वैसे ही होते रहता है। तो इस तरह के हमारे बॉडी के जो दर्द है वो दर्द हम निकाल सकते हैं सूचनाएं देके, पीठ का दर्द है, कमर का दर्द है, सिर का दर्द है, और भी कोई दर्द ऐसे है तो हम वो निकाल सकते हैं ताकि हम अच्छा काम कर सके। तो इस तरह के काफी सारे आइटम्स, जैसा उसको बोला कि आप अमिताभ बच्चन हो तो वो वैसे एक्टिंग चालू कर देता है, उसको ऐसा बोला कि नहीं आपके अंदर कोई देवी देवता का संचार हुआ है तो वैसे ही वो एक्शन चालू कर देता है, मतलब उसको जो भी बोला वो सच्ची लगता है। तो वो तो मनोरंजन तो करना ही है मगर उसके साथ साथ ज्ञान लोगों को देना कि भाई अपना सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और वो पावर का हम इस्तेमाल करते हैं, वो 90% सबकॉन्शियस माइंड का हम इस्तेमाल करते हैं तो जिंदगी में हम जो भी चीज चाहे वो हासिल कर सकते हैं। सो यहां इतना ही मैं बोलूंगा। आपको अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वहां आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगे और मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की, मानसिक बीमारियों की, हिप्नोटिज्म की, काफी सारी मतलब वो आपको वीडियो दिखेंगे वहां। आप फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं, उसको भी आप शेयर करो और ये वीडियोस भी मेरे शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।